इवेंट रहने थे वहाँ पे, अपन है ना यहीं पे रोकते हैं इसको क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है कि ठीक हो रहा है बच्चा। मैंने कहा भाई हाँ 19 तारीख को जब हमें, हाँ फिर हमने बोला, मैंने बोला नहीं भाई वो अपने को पागल बना रहा है, अपने को जेके लोन में लेकर चलना है। हम जेके लोन में फिर ये लोग गए तो डॉक्टर को बोला कि डिस्चार्ज कर दो आप। अब उसने मेरे देवर को आईसीयू में बिठा दिया कि तू यहाँ पे बैठे रहो आप और देखो कि ये क्या कर रहे हैं। उसने मेरे देवर को बाहर आईसीयू से निकाल दिया और बाहर बिठा के, और उसकी जो ऑपरेट किया था उसके एक पाइप लगाई थी, उस पाइप को निकाल के और पट्टी कर दी सर पे, पट्टी कर दी। तो जैसे ही हम एम्बुलेंस में डाल बच्चे को शिफ्ट करने लगे तो एम्बुलेंस वाले ने बोला इस बच्चे में कुछ है ही नहीं है, मर्द तक बच्चा है, आप कहाँ लेकर जा रहे हो। हम बोले पागल है क्या, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक है बच्चा और आप कह रहे हो कि इसमें कुछ है ही नहीं। बोले कि फिर भी वो बेचारा चुप हो गया और चल जेके लोन जाते ही जेके लोन डॉक्टर ने देखा, देखते ही बोले ये तो मर्द तक है इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने कहा नहीं आपको गलत फहमी है, डॉक्टर बोल रहा है कि ये ठीक है। खूब उन्होंने कोशिशें की, बोले आपके कहने पर हम कोशिश कर, कुछ होगा तभी तो वो बचेगा बच्चा, और उन्होंने बोल दिया कि बच्चा नहीं है आपका। हाँ संजय सर, हाँ कोई पैसा नहीं लिया गया हमसे अस्पताल से, अब लिया 12-12.5 लाख रुपए लिए उन्होंने। हाँ और बिल दिया 8 लाख के, 7.5 लाख के। आप ये सोचो उस टाइम हमें भगवान लग रहा था कि बिल ले लेंगे ना बिल का, तो क्या बिल भी हमें 8.5 साल। सर जेके लोन में कौन सरकारी हॉस्पिटलों में सरकारी, और ये देखो मैं मेरे बच्चे के पास गई और मैं इतनी जोर जोर से उसको ये बोलती थी लड्डू उठ जा बेटा, मैं कोई मंत्र बोलती थी। वो नर्सिंग स्टाफ इनको इतनी शर्म नहीं आई कि वो ये नहीं सोच रहे कि एक मर्द, वो इतने खुश अंदर ही अंदर हो रहे थे कि एक मृतक बच्चे की माँ कैसे उसके मंत्र बोले जा रही है कि बेटा उठ जा तू बेटा उठ जा, मतलब कितने दरिंद्र थे वो लोग, उनको इतना सभी नहीं कि एक माँ की। एशियन न्यूरो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एस एस रत्नावत, एनके गुप्ता, एनके गोयल और वो अलका रत्नावत और एक और, कोई भी जांच नहीं ली उन्होंने 13 तारीख के बाद, कोई जांच नहीं। हमें जो मिल दिया वो सारे हमारे पास। Emergency. वो कई इमरजेंसी में थी, कई डॉक्टर थे, उनको बहुत डॉक्टर लगे थे उससे। और ये हम 11 तारीख को उसको लेकर गए हैं एशियन में और 6 तारीख की हमें रिपोर्ट बना के दी है। अब उसने क्या किया है कि सारी पेस्ट कॉपी की है, उसको अक्ल की कमी थी जो उसने 6 तारीख की रिपोर्ट जो हमने मणिपाल से रिपोर्ट दी ना उसी तारीख की रिपोर्टें बना के 11 तारीख को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। ये घटनाक्रम बहुत ही दुखद है जो कि राजस्थान जयपुर के लिए जिस तरीके से मेडिकल की व्यवस्थाओं को लेकर हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं। और ये जो घटना हुई है हसविक सरिया वाली, जो बच्चा 6 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट होता है, मणिपाल हॉस्पिटल उसको ब्रेंडेड घोषित कर देता है, माँ बाप की एक उम्मीद कि कहीं से बच्चा सही हो जाए, कोई इसका इलाज कर पाए। तो उस डेड बच्चे के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे अस्पतालों में ये लोग गए जहाँ सारे हॉस्पिटल्स मना कर देते हैं, उस जगह आकर एशियन हॉस्पिटल जो कि चांदपोल बाजार में है वो हाँ कर देता है कि हम आपके बच्चे का इलाज करेंगे। केवल एक लालच, यानी कि मानवता खत्म हो चुकी है कि आज हम लाशों का व्यापार करने लगे हैं। और ऐसी जगहों पर आके उन्होंने हसविक सरिया को एडमिट करते हैं वो लोग, और ये बच्चा शायद 11 या 12 तारीख को एशियन हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर्स बहुत उम्मीद जता देते हैं परिवार के लिए कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उनका प्रोसेस चलता है वो कोई उसका टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चा डेड है, वेंटिलेटर पे उसको ले लिया जाता है, परिवार वालों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये मूवमेंट कर रहा है, लेकिन मूवमेंट कहाँ है। किसी भी प्रकार से परिवार जब वहाँ जा रहा है उनको नहीं, ना ही तो उसको हाथ लगाने दिया जा रहा है, बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उसका मुंह खुल जाता है और बॉडी इस तरीके से है कि जैसे पत्थर की तरह, लेकिन परिवार को उसको टच नहीं करने दिया जाता है और लगातार उस परिवारों की उनकी भावनाओं से खेलते हुए और अस्पताल प्रशासन रोजाना उनसे लाखों रुपया ऐंठता है।
और किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट उनको नहीं देता है। ये हमारे लिए बेहद शर्मनाक बात है कि जहां हम डॉक्टर को भगवान के रूप में मानते हैं, वो ऐसा हैवानियत भरा काम करने लगे हैं। हम अपने पेशेंट को बहुत उम्मीद के साथ में, बहुत विश्वास के साथ में डॉक्टर के हाथ में सौंप देते हैं कि जो डॉक्टर करेगा वो ठीक है, लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये हमारे लिए बहुत शर्मसार करने वाला है। एक तरीके से हॉस्पिटल नहीं बूचड़ खाने की तरह हो गया है कि एक लाश आ गई उसके ऊपर व्यापार करना है हमें। और जो एशियन हॉस्पिटल ने किया, मैं पूरे प्रशासन से, सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से सभी से ये मांग करती हूँ एज ए सामाजिक कार्यकर्ता कि इस तरह की जो व्यापार चल रहे हैं, जिस तरह का ये गोरख धंधा जिस तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट ने चला रखा है, इसको बंद किया जाए, इसके खिलाफ एक कमेटी घोषित की जाए, इनको एक लिमिटेशन में बांधा जाए। क्योंकि पैसा, ये जितना पैसा लेते हैं उतना इलाज नहीं है, जिस प्रकार की सुविधाएं नहीं है, और उसके ऊपर मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा कि मतलब जो बच्चा बीमार है, मर चुका है, डेड घोषित, तो एक बड़े हॉस्पिटल ने ब्रांडेड घोषित कर दिया, उस बच्चे की लाश के ऊपर व्यापार कर डाला, बेहद शर्मनाक बात है ये। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हो रही है कि हम प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह के जो कांड हो रहे हैं, कहीं ब्लड ग्रुप अलग तरीके से चढ़ा दिया जाता है, कहीं पर ऑर्गन डोनेशन के खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर जिस तरह की, क्योंकि यदि सेहत है तो सब कुछ है, और अगर सेहत के साथ भी इस तरीके से बड़ा खिलवाड़ किया जाएगा तो हम जैसे सामान्य लोग कहाँ जाएंगे। और मैं तो यही मांग करूंगी हमारी सरकार से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि इस तरह के जो व्यापार चल रहा है मेडिकल को लेकर, इस पर लगाम लगाई जाए और इस बच्चे हसविक सरिया के और उसके पूरे परिवार को न्याय मिले, और ऐसे एशियन हॉस्पिटल जैसे ऐसे अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए, और ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने इस बच्चे के साथ खिलवाड़ किया उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।